जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गंभीर गृह मंत्रालय बीएसएफ डीजी को आज शाम तक सौंपनी है रिपोर्ट। तेज बहादुर यादव के पिता का बयान, छुट्टी के दौरान बेटे ने बताया था अब वहां नहीं रह सकता। उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे, क्योंकि बोला जो मैं जो कहता हूँ तो ये अफसर जो है मेरे पर छिड़ते हैं। वीआरएस ले चुके एक और जवान ने अफसरों पर लगाया आरोप, कहा कई बार पीएम से लेकर गृह मंत्रालय तक लिखित शिकायत लेकिन सुनवाई नहीं। जोधपुर के वीआरएस ले चुके जवान ने भी किया समर्थन, कहा अफसरों पर लगाए गए 75% आरोप सही। असम राइफल्स के एक आर्मी जवान की पत्नी ने भी लगाए गंभीर आरोप, कहा भूखे मरते हैं जवान अफसर करते हैं मौज, दूर दराज इलाकों में बीमारी में भी नहीं मिलती मदद। मैंने देखा है कि कहीं हमारे उसमें ही जो अफसर लोग हैं उनके लिए सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी जाती थी, तो ये सब सिपाही लोगों से ही किया जाता। छुट्टियां बिताने घर आए एक जवान ने कहा सभी को मिलता है बढ़िया खाना, ऐसी कोई शिकायत नहीं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में फॉर्चुनर कार पर गोलीबारी, एक शख्स जख्मी, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने एक स्विफ्ट और एक ऑल्टो कार भी बरामद की, फॉर्चुनर से पिस्टल भी बरामद, जांच जारी। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेसहारा लड़की से चार लड़कों ने किया गैंगरेप, पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग। पीड़ित लड़की ने बच्ची को जन्म दिया तब हुआ रेप का खुलासा, दो आरोपी पकड़े गए, दो की तलाश जारी। भारत रत्न बिस्मिल्ला खान की चोरी गई 5 शहनाइयां बरामद, उनके पोते ने ही चुराई थी, कुल 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद के सूबेदार स्टेशन पर रिजर्व में रखी ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग, साजिश के तहत आग लगाए जाने का शक। शिमला में दर्दनाक हादसा, बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सो रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में डीटीसी बस ने अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रही लड़की को कुचला, मौके पर मौत। पटना में NH30 पर तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, कार में सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सवाई माधोपुर में जीप को बचाने के चक्कर में पलटी बस, हादसे में 10 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। शराब माफिया को पकड़ने मुजफ्फरपुर गई गोपालगंज की पुलिस पर हमला, 2 थाना प्रभारी और होमगार्ड का एक जवान जख्मी। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान बुलेरो गाड़ी से अवैध हथियार बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। गुरदासपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की नोवा गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, हिरासत में लिए गए आरोपी पर केस दर्ज। हजारीबाग में कोऑपरेटिव बैंक से 7 लाख की लूट, 5 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के पाली में लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, बैंक के सीसीटीवी से पुलिस को मिला था सुराग। बंद कमरे में मिले मुलायम और अखिलेश, सूत्रों का दावा पिता ने बेटे से मांगी अध्यक्ष कुर्सी, अखिलेश का इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश फॉर्मूले पर राजी नहीं, कहा अध्यक्ष पद छोड़ा तो अमर और शिवपाल को मिलेगा साजिश रचने का मौका। सूत्रों के मुताबिक यूपी में गठबंधन हुआ तो 300 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 78 से 80 सीटें, बाकी सीटों पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। जल्द तीनों पार्टियों के गठबंधन पर आखिरी फैसला मुमकिन, हाई वोल्टेज कैंपेन की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर विवादों की वजह से कांग्रेस असमंजस में, तस्वीर साफ होने का इंतजार। यूपी कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के सामने टिकट के दावेदारों की उमड़ी भीड़, मौके पर हुई नारेबाजी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, गठबंधन ठुकराओ यूपी बचाओ और प्रियंका लाओ यूपी बचाओ के नारे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की गैर मौजूदगी में कांग्रेस का जनवेदना सम्मेलन आज, नोटबंदी के खिलाफ पार्टी करेगी हल्ला बोल। कांग्रेस से करीब 5,000 डेलीगेट्स को बांटे जाएंगे बुकलेट्स, उसके जरिए मोदी सरकार की कमियां गिनाई जाएंगी। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, पंजाब उत्तराखंड और गोवा के लिए उम्मीदवारों का होगा फैसला। मनीष सिसोदिया का इशारों में केजरीवाल को बताया पंजाब का सीएम उम्मीदवार, कहा जनता ये सोचकर वोट दे कि केजरीवाल होंगे अगले मुख्यमंत्री। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे, पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। बीजेपी का निशाना फिर भागे केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल के वादे से पलटे, कांग्रेस ने बताया फेल मुख्यमंत्री। सुखबीर सिंह बादल का हमला, केजरीवाल को सीएम का उम्मीदवार बनाकर आपकी खुली कलाई।
पंजाब के तरन तारण, अटारी, खेमकरण और जलंधर में रोड शो करेंगे केजरीवाल। कई नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन। डिजिटल मुहिम को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी आज दिल्ली में निकालेगी मार्शल जुलूस। अमित शाह भी होंगे शामिल। हट्टापड़सौल में राहुल गांधी को बाइक पर घुमाकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता धीरेन्द्र सिंह। बीजेपी में शामिल, पार्टी के नेताओं पर लगाया उपेक्षा का आरोप। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की पाक नीति की तारीफ की, वहीं पाकिस्तान को कहा उनकी नीयत साफ नहीं। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 21 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 4 फरवरी को है मतदान। चुनाव चिन्ह साइकिल पर 13 जनवरी को चुनाव आयोग सुनाएगा फैसला। आयोग ने दोनों खेमे को भेजे एक दूसरे के दस्तावेज। 4 बीवी 40 बच्चों के बयान पर साक्षी महाराज के चुनाव आयोग का नोटिस। आज शाम तक जवाब देने की मियाद। चुनाव से पहले बढ़ेगा बीजेपी का स्टार पावर। सूत्रों का दावा, जैकी श्रॉफ और अर्जुन रामपाल थाम सकते हैं कमल। नोटबंदी में मालामाल बैंक खातों पर इनकम टैक्स की नजर। कोऑपरेटिव बैंकों में 16,000 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट के खातों में 11,500 करोड़ जमा। नोटबंदी के बाद काफी दिनों निष्क्रिय पड़े बैंक अकाउंट में जमा हुए 25,000 करोड़ रुपए। आयकर ऐसे अकाउंटों की करेगी जांच। केंद्र सरकार के मुताबिक 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ज्यादा रकम जमा कराने वालों पर आयकर की नजर। एक एक अकाउंट की होगी जांच। नोटबंदी के बाद लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज की रकम चुकाने के लिए किया। दिल्ली में 6,50,000 के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। मामले में 2 ग्राफिक डिजाइनर गिरफ्तार। कानपुर में 2 निजी गाड़ियों से 5-5 करोड़ के नए नोट बरामद। कैश ले जाने वालों का दावा, इलाहाबाद बैंक और हमीरपुर ग्रामीण बैंक का है रुपया। पुलिस का दावा, इलाहाबाद बैंक के कागजात मिले, बाकी 5 करोड़ के सबूत नहीं मिले। आयकर की टीम भी जांच में जुटी। फरुखाबाद में चेकिंग के दौरान करीब 8 लाख कैश बरामद। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया, जांच में जुटी आयकर की टीम। आजमगढ़ में 14 अलग अलग देशों की 87 लाख की करेंसी बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में बीएसपी विधायक विवेश वर्मा समेत 5 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, केस दर्ज। आगरा में तलाशी के दौरान करीब 2 क्विंटल चांदी जब्त। बरामद चांदी का हिसाब नहीं देने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बीएनसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना में तालमेल के संकेत। उद्धव ने कहा गठबंधन पर जल्द होना चाहिए फैसला। राज्यसभा सांसद कुणाल घोष से 12 घंटे पूछताछ। रोजवाली और शारदा घोटाले में सीबीआई ने किए सवाल जवाब। अमृतसर में धरने पर बैठे वकीलों ने एक युवक की जमकर की दुनाई। आगे जाने के लिए रास्ता मांगने से नाराज थे वकील। चुनावी सीजन आते ही बिहार से यूपी में हथियारों की तस्करी का खुलासा। 5 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल और 13 मैगजीन बरामद। पटना में नकली दवा के खिलाफ पुलिस की मुहिम। छापेमारी में 20 लाख की दवा बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। बैतूल में अवैध शराब बिक्री करने वाले शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर जान देने की धमकी दी। महिलाएं उसका विरोध कर रही थी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी में उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों को फूंका। इंडियन ऑयल के पाइपलाइन की मशीनों में भी लगाई आग। यूपी के रामपुर में किसान ने लाइसेंसी बंदूक से मारकर खुदकुशी की, उस पर 6 लाख रुपए का कर्ज था। थाने में मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस से 30 किलो सोना चुराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। 26 दिसंबर को हुई थी वारदात। फ्रांस में रह रहे निर्णायक कैंसर पीड़ित ने वीडियो संदेश के जरिए मांगी मदद। सुषमा स्वराज ने उसे भारत लाने में हर संभव मदद के आदेश दिए। राउरकेला में एक प्राइमरी स्कूल के 18 बच्चे बीमार। हॉस्टल में जलेबी खाने के बाद बिगड़ी तबियत, सभी अस्पताल में भर्ती। बिग बॉस के घर से बाहर हुए स्वामी ओम के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में शिकायत। महिलाओं पर विवादित बयान देने के आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरटीसी आज से कैशलेस। फी जमा करने को लेकर कैंटीन में भी कैशलेस पेमेंट की सुविधा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली में गिरा तापमान। आज राजधानी में 5 साल का सबसे ठंडा दिन, 4 डिग्री तक रुका पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में 2 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, गलन भी बढ़ेगी। डलहौजी में शुक्रवार से बर्फबारी का दौर जारी, मंगलवार को करीब 4 फीट तक हिमपात। शिमला में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुसीबत, कई जगहों पर सड़कों की बिगड़ी सूरत, पर्यटक परेशान। जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप में भी जबरदस्त बर्फबारी, नजारा देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। दिल्ली के नरेला में करीब 800 करोड़ की लागत से बनेगी देश की सबसे आधुनिक फल और सब्जी मंडी, गोपाल राय ने किया ऐलान। सूरत में 2000 के नोट के छाप वाली साड़ियों की प्रिंटिंग, कारोबारियों ने कहा देश भर में बढ़ रही है डिमांड।
बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा सबसे सस्ता लोन, 0.7% की कटौती के साथ 8.35% हुई बैंक की ब्याज दर। वडोदरा में पतंग उत्सव का आयोजन, 22 देश ले रहे हैं हिस्सा। बीएमसी ने मुंबई टॉयलेट लोकेटर के नाम से ऐप किया लॉन्च, इससे आसपास की टॉयलेट की जानकारी मिल सकेगी। अपनी कप्तानी के आखिरी मैच हारे धोनी, अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से दी मात। भारत ए ने इंग्लैंड ए के सामने रखा था 305 रनों का लक्ष्य, मेहमान टीम ने एक ओवर रहते किया हासिल, कप्तान धोनी की 68 रनों की पारी भी बेकार। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज ने शेयर किए बीते दिनों के अनुभव, युवराज ने की पूर्व कप्तान की जमकर तारीफ। ईडन गार्डन महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित करेगा बंगाल क्रिकेट संघ, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे के बाद होगा सम्मान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें मानी, बोर्ड की बैठक में लिया गया चुनाव कराने का फैसला। शिकागो में राष्ट्रपति ओबामा का विदाई भाषण, कहा लोगों को नस्ल भेद बांट रहा है, मैं अमेरिकी मुसलमानों से भेदभाव को खारिज करता। अफगानिस्तान के 3 अलग-अलग शहरों में आतंकी हमले, करीब 50 लोगों की मौत, काबुल हमले में 30 से ज्यादा की मौत। कांधार में यूए के राजदूत की यात्रा के दौरान धमाका, 9 लोगों के मरने की खबर, एयरपोर्ट पर बंदूकधारी ने 5 महिला कर्मचारियों की हत्या की। दक्षिण भारत के स्टार चिरंजीवी फिल्म खिलाड़ी नंबर 150 से कर रहे हैं कमबैक, अभी से दिखने लगा है क्रेज, कई कंपनियों ने किया छुट्टी का ऐलान।